2.0 डीजल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा नॉइस आएगी कैबिन में, बट वो चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ जो थोड़ी सी इम्प्रूव करी जा सकती थी वो थी ORVM के कंट्रोल, जो कि राइट साइड पे आगे दे रखे हैं बिल्कुल विंडो के पास। अगर हाईवे पे भी लेके जा रहे हो तो हाईवे पे भी आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाती है और स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा इसमें। उसकी वजह से सिटी में ड्राइव थोड़ी सी हैसल हो जाती है क्योंकि स्टेयरिंग इसका हैवी साइड पे है डेफिनेटली। हेलो भाई, वेलकम टू स्पिन व्हील्स। और आज हमारे साथ है टाटा हैरियर XZ D+ ब्लैक एडिशन, और इस गाड़ी को 1.5 साल हो चुका है और साथ ही में 23,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज की वीडियो में हम इसका एक पूरा एक ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पिछले 1.5 साल का, और साथ ही में एक रियल लाइफ माइलेज टेस्ट भी करने वाले हैं जिसमें कि देखेंगे रियल लाइफ सिटी कंडीशन में ये गाड़ी क्या माइलेज निकाल के दे रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं गाड़ी में और एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पुश बटन आ जाता है इस साइड पे, तो अगर हम स्टार्ट करें तो इतनी कुछ नॉइस मिलती है इंजन की, जो कि एक 2.0 लीटर डीजल इंजन के हिसाब से काफ़ी कम है, कोई ज़्यादा नॉइस नहीं है। प्लस इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा दे रखा है तो इंजन नॉइस नहीं आती अंदर। और वाइब्रेशंस देखें तो स्टीयरिंग या गियर लीवर पे बिल्कुल मिनिमल वाइब्रेशंस है, जो कि मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो अब ट्रिप ए हमने ज़ीरो कर लिया है क्योंकि हम इस वीडियो में माइलेज टेस्ट भी करने वाले हैं और साथ ही में AC ऑन रखेंगे। तो अब AC ऑन कर लिया हमने और सीट बेल्ट लगाते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले अब कंफर्ट की बात करें गाड़ी में, तो कंफर्ट में तो इसमें आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है क्योंकि सीट्स वगैरह इसमें प्रॉपर बकेट सीट्स आ जाती हैं और साथ ही में लंबर सपोर्ट आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट भी आ जाती है ड्राइवर सीट में, तो उसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है। आपको अपने हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो आप सीट, प्लस स्टीयरिंग भी इसमें रीच और एक दोनों के लिए एडजस्टेबल है, तो कंफर्ट में आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और साथ ही में अगर अभी वाली हैरियर की बात करें तो उसमें एक एडिशनल चीज़ दे दी है, जो कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो इस वाली हैरियर में नहीं आती, अभी फेसलिफ्ट में दिया है वो, तो एक वो कमी है बस, बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में। अब NVH लेवल्स की बात करूँ तो मैं NVH लेवल्स काफ़ी बढ़िया हैं गाड़ी के, मैं सरप्राइज्ड हूँ खुद ही, क्योंकि 2.0 डीजल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा नॉइस आएगी कैबिन में, बट वो चीज़ नहीं है। रिफाइनमेंट अच्छी करी गई है, प्लस कोई एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह भी नहीं आती है कैबिन में। बाकी अर्गोनॉमिक्स देखें गाड़ी के, तो अर्गोनॉमिक्स में भी आपको कोई भी इशू नहीं होने वाले, इसमें सब कुछ रीच में। अगर आपको डिस्प्ले वगैरह यूज़ करना है तो वो भी रीच में, कोई आपको ज़्यादा आगे नहीं होना पड़ेगा। प्लस AC के कंट्रोल वगैरह सबके फिज़िकल बटन्स दे रखे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले के भी फिज़िकल कंट्रोल्स दे रखे हैं। स्टीयरिंग पे हमें स्टीयरिंग माउंटेड भी कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल के भी स्विचेस स्टीयरिंग पे ही है। बस एक चीज़ जो थोड़ी सी इम्प्रूव करी जा सकती थी वो थी ORVM के कंट्रोल, जो कि राइट साइड पे आगे दे रखे हैं बिल्कुल विंडो के पास, तो उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा आगे होना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है ड्राइवर के लिए, बाकी तो कोई इशू है नहीं। अब सस्पेंशन इस गाड़ी में बिल्कुल प्रॉपर जो ट्यूनिंग हो सकती थी वो करी गई है, क्योंकि अगर सिटी में भी आप इस गाड़ी को चला रहे हो तो भी आपको कोई इशू नहीं होने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन नहीं दिए गए हैं। प्लस अगर हाईवे पे भी लेके जा रहे हो तो हाईवे पे भी आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाती है और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा इसमें, बट स्टीयरिंग इसमें हाइड्रोलिक दे रखा है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग दे रखा है, जो कि एक काफ़ी बड़ी कॉस्ट कटिंग है, क्योंकि इस प्राइस पर आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है एक ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ना देने का। बट उसकी वजह से सिटी में ड्राइव थोड़ी सी हैसल हो जाती है क्योंकि स्टीयरिंग इसका हैवी साइड पे है डेफिनेटली, और उस वजह से स्टीयरिंग मनूवर करना सिटी में यू टर्न वगैरह लेने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। बाकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, स्टीयरिंग हालांकि इसका हाइड्रोलिक है वो सही बात है, बट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है इसका बिल्कुल प्रॉपर अच्छी फील आ जाती है, एकदम रिस्पॉन्सिव है, कोई ऐसा नहीं है कि सेंटर में रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, हल्का सा मोड़ते ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो हाइड्रोलिक होने का एक ही ड्रॉबैक है, बस स्टीयरिंग हार्ड लगता है सिटी में, बाकी तो और कोई इशू है नहीं। अब जैसे कि 1.5 साल हो चुका है इस गाड़ी को और ये 23,000 चल चुके हैं ऑलरेडी, और उस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन देखूं मैं तो बहुत बढ़िया कंडीशन है, वेल मेंटेन्ड है, प्लस रैटलिंग नॉइस नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है। और एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं अपना, तो इसमें अभी तक टचवुड कोई भी इशू नहीं आया, जैसे कि काफ़ी हैरियर ओनर्स की गाड़ियों में इशू आए हैं और वो उसकी वीडियो भी काफ़ी हैं यूट्यूब पे, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो है वो स्टीयरिंग अलाइनमेंट वगैरह का है कि गाड़ी एक तरफ जाती है, वैसा कोई भी इशू इस गाड़ी में नहीं आया है। तो उस वे में गाड़ी का एक्सपीरियंस मैकेनिकल वाइज या
ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में कोई भी इशू नहीं आया है, बट आफ्टर सेल्स जो है टाटा की वो थोड़ी सी बदनाम है, और वो चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एक बार। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, इसका एक टायर पंचर हो गया था कॉर्नर पे, और उसमें फिर अंदर से टायर निकल के मशरूम पंचर लगना था, और उसके लिए अब नट खोलने के लिए किसी मैकेनिक के पास लेके गए हम, तो इसके टायर के नट ही नहीं खुल पा रहे थे किसी से भी। तो कम से कम 5 से 7 मैकेनिक को दिखाया, किसी से भी इसके टायर के नट नहीं खुले। फिर हम एंड में टाटा के पास ही गए कि नट खोल दो आप, बाकी पंचर हम बाहर से लगवा लेंगे। बट उन्होंने कहा ठीक है सर, खोल देंगे, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आधा घंटा बैठ जाओ। फिर आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटे तक वेट करा मैंने, और उसके बाद भी मैंने उनसे जाके कहा कि सर रहने दो आप, मैं बाहर से करा लूँगा। तो उन्होंने उस टाइम भी मेरे को नहीं रोका कि हाँ चलो सर हम जल्दी करा देते हैं, थोड़ा 2 घंटे हो गए आपको। उन्होंने उस टाइम भी यही बोला कि ठीक है सर आप कोई नहीं बाहर से करा लेना। तो उस चीज़ में टाटा को काफ़ी इम्प्रूव करना है अपने आफ्टर सेल सर्विस में। उस चीज़ की काफ़ी कंप्लेंट भी आती है, काफ़ी वीडियोज़ भी डली हुई हैं यूट्यूब पर। तो बस यही कमी है एक मेजर जो टाटा आज के टाइम में लोग टाटा को ख़रीदने से कतराते हैं, वरना तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स टिक हो ही जाते हैं टाटा की गाड़ियों में। और बिल्ड क्वालिटी का ट्रेंड चलाया टाटा ने इंडिया में, उस वजह से बाकी कंपनियां भी फॉलो कर रही हैं उस चीज़ को, क्योंकि उन्हें पता लग गया है अब कस्टमर्स बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पे ही टाटा की गाड़ियां ले रहे हैं और बाकी ब्रांड्स रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से ह्यूंडई की जो वरना आई है अभी, उसने 5 स्टार स्कोर करे हैं एनकैप में, ग्लोबल एनकैप में, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और उसके लिए ह्यूंडई को डेफिनेटली सैल्यूट करना पड़ेगा और टाटा को भी, क्योंकि उन्होंने ये ट्रेंड चलाया है। अब पिछले 1.5 साल में कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मेरे को इस गाड़ी में फील हुए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉजिटिव जो इसका मेरे को लगता है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि आपको गाड़ी में बैठते ही फील हो जाएगी, और चलाने पे भी एक जो हैवीनेस फील आती है गाड़ी में वो बहुत ही बढ़िया है। बट उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलने में कोई लैगी है या पावर की कमी फील होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी हैवी भी फील कराती है, बट वहीं अगर आपको पावर चाहिए हो तो पावर भी प्रॉपर डिलीवर करके देती है। सेकंड पॉजिटिव है इसकी ड्राइव क्वालिटी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है हमको, उसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाली आपको, चाहे कंफर्ट की बात करें, चाहे स्टीयरिंग रिस्पांस, चाहे जो प्रॉपर ग्राउंडेड होके चलती है गाड़ी हाईवे वगैरह पे। तो इसका एक काफ़ी प्लस पॉइंट है जो कि लोगों को मजबूर करता है गाड़ी लेने पर। थर्ड पॉजिटिव है इसकी लुक्स, जो कि आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको इसकी लुक्स पसंद ना आती हो, बहुत ही ज़बरदस्त है और वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट लुक्स हैं इसकी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फोर्थ पॉजिटिव है इसका म्यूज़िक सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, और साथ ही में अगर बाकी इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो उसकी टक्कर का तो डेफिनेटली, और उससे बेटर भी हम कह ही सकते हैं। और अगर किसी ने टाटा हैरियर में बैठ के उसका एक्सपीरियंस करा हुआ म्यूज़िक सिस्टम, तो उसको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और फिफ्थ इसका पॉजिटिव है जो इसकी इंटीरियर क्वालिटी है, मतलब जो मटेरियल की क्वालिटी है यहाँ पर भी, और सारी जगह यहाँ पर भी सॉफ्ट टच टाइप है, और स्टीयरिंग में भी जो लेदर रैप हुआ हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है, जहाँ पर भी हमें हाथ लगता है या टच करना पड़ता है वहाँ पर हर जगह बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करा गया है, जिस वजह से काफ़ी एक बढ़िया ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। अब कुछ नेगेटिव्स की बात करें पॉजिटिव्स के बाद, तो सबसे पहला नेगेटिव तो मैं यही कहना चाहूँगा जो इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दे रखा है, उस वजह से थोड़ा सा सिटी में एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी साइड पे है, और अगर आप कोई ह्यूंडई मारुति या उस गाड़ी से शिफ्ट हो रहे हो इस पर, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ फील होगी। सेकेंड नेगेटिव है इसमें, इस वाले 2021 वाले मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती है, जो कि अभी टाटा ने दे दिया है हैरियर में फेसलिफ्ट जो आया है, बट इसमें नहीं आती थी, तो वो चीज़ एक डेफिनेटली नेगेटिव था, क्योंकि जिस प्राइस पे गाड़ी आती है उसमें वेंटिलेटेड सीट्स होना बनता था। और थर्ड नेगेटिव जो मैं इस गाड़ी का कहूँगा, मतलब वो गाड़ी के स्पेसिफिक नहीं है बट वो टाटा से रिलेटेड है, जो कि आफ्टर सेल सर्विस, जो कि सारे डीलर के केस में तो नहीं होगा वो चीज़, क्योंकि कुछ डीलर होते हैं जो काफ़ी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, बट टाटा ने अपनी जितनी गाड़ियाँ उनकी आई हैं और जितनी गाड़ियाँ बिकी हैं, सेल्स जितनी ज़्यादा हुई हैं, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं करा, मतलब कि जो सर्विस सेंटर का नंबर है वो उस हिसाब से बढ़ाया नहीं गया है, तो उस वजह से जो भीड़ वगैरह मिलती है सर्विस सेंटर पर या जाके वेटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा होती है, तो उस चक्कर में वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा डेफिनेटली ख़राब होता है। तो उस चीज़ पर टाटा को काम करना चाहिए, बाकी तो और कोई नेगेटिव है नहीं इसमें, मेजर गाड़ी में एकदम बढ़िया चल रही है, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं आई है।
तो इस गाड़ी में तीन मोड आ जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और फिलहाल ये जितनी 15.2 कुछ किलोमीटर अभी चल चुकी है वो पूरी नॉर्मल मोड पे ही चली है। तो अब हम इसे एक बार स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करके देखते हैं और पुल वगैरह देखते हैं कैसा कुछ मिलता है। तो यहाँ से इसका स्पोर्ट्स मोड लग जाता है और ये अपने आप ही एग्रेसिव हो जाती है बटन दबाते के साथ ही। और अब हम अगर इसे पुश करते हैं तो एकदम पुश मिलता है एक्सीलेटर प्रेस करते के साथ ही। और इंजन नॉइस थोड़ी सी डेफिनेटली आती है कैबिन में, बट वो कोई इशू है नहीं। और स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो अगर मैं RPM बताऊँ कितने पे शिफ्ट कर लेती है, तो नॉर्मल मोड में ये अराउंड 1800 RPM पे गियर शिफ्ट कर लेती है, और वहीं अगर स्पोर्ट्स मोड लगा दे तो और लेट शिफ्ट करती है। बाकी इको मोड भी आता है इसमें, इको मोड पे चलाएंगे तो और बढ़िया एवरेज मिल जाएगी। लाल आप एवरेज दे सकते हैं यहाँ पर ट्रिप एक ही 16.2 किलोमीटर चलाई हमने गाड़ी और उसमें 14.7 हो गई है। वैसे 5 मिनट से गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है तो इसलिए थोड़ी और कम हो गई है, वरना 15 समथिंग थी, जिसमें कि ट्रैफिक कंडीशंस नॉर्मल थे। मतलब थोड़ा फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक था, ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा, बट स्टिल गाड़ी एक स्टेबल स्पीड पे नहीं चल रही थी। प्लस पूरी ट्रिप पे एसी ऑन था और साथ ही में नॉर्मल बोर्ड पे ही चल रही थी। बट वहीं अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और इको मोड ऑन कर रखे हैं आपने, तो उसमें ये 18-19 के एवरेज निकाल के दे देगी आपको, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।